दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के अधिकांश स्वर्ण संपत्ति कहाँ रखा जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित नागपुर वो शहर है जहाँ रखा जाता है भारत के अधिकांश स्वर्ण संपत्ति। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर में ही डबल डायमंड रेलवे क्रॉसिंग स्थित है, जो भारत में ही नहीं पूरे एशिया का एकमात्र रेलवे डायमंड क्रॉसिंग है, जिस शहर को हार्ट ऑफ इंडिया, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑरेंज सिटी जैसे नाम से भी जाना जाता है। इस तरह ही इस शहर की संस्कृति, इतिहास, परंपरा, अध्यात्म और प्रकृति की से जुड़ा हुआ कई बातें हैं जो जानने के बाद आप नागपुरवासी होने के नाते गर्व का अनुभव करेंगे। तो चलिए, आज हम आपको हार्ट ऑफ इंडिया नागपुर शहर के बारे में कुछ रोचक बातें और फन फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। नागपुर सिटी भारत के हृदय स्थल पर स्थित महाराष्ट्र की उपराजधानी है और यह मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इसे महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी कहा जाता है। आज नागपुर अपनी कामयाबी के बुलंदियों के आसमान को छू रहा है। हाल ही में इस शहर को देश के सबसे स्वच्छ व सुंदर शहर का इनाम मिला है। नागपुर भारत का दूसरे नंबर का ग्रीनेस्ट शहर माना जाता है। आधिकारिक तौर पर ये शहर महाराष्ट्र राज्य का सबसे सुरक्षित और तकनीकी रूप से विकसित शहर बन गया है। ये शहर कई नाम से मशहूर है, जैसे कि हार्ट ऑफ इंडिया, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जनसंख्या की बात करें तो ये शहर भारत का 13वां और विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर भी है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार नागपुर की जनसंख्या है 24,05,665, जो लगभग 393 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला, और यह शहर भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, तथा इस शहर में बोली जाने वाली भाषा मराठी है, और मराठी के अलावा यहाँ हिंदी, अंग्रेजी भी बोली जाती है। भारत के इस सुंदर शहर नागपुर का इतिहास भी पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार नागपुर शहर की स्थापना 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के राजा बख्त बुलंद शाह द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि यहाँ पर नाग सांप बहुत ही अधिक संख्या में पाया जाता था, इस कारण से ही इस शहर का नाम नागपुर रखा गया। दूसरी मान्यता यह भी है कि नागपुर का नाम इस शहर के बीचों बीच बहने वाली प्राचीन नाग नदी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में इस शहर को देश के सबसे स्वच्छ व सुंदर शहर का इनाम मिला है और नागपुर भारत का दूसरे नंबर का ग्रीनेस्ट शहर माना जाता है, और ये शहर 3 बार द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारत में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब जीत चुका है। दोस्तों, नागपुर अपने संतरे के लिए भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ उपजने वाले संतरे में एक विशेष प्रकार का स्वाद और गुण होता है जो इसे एक अलग पहचान दिलाती है। इन संतरों से कई तरह के पेय पदार्थ तैयार कर देश विदेश भेजे जाते हैं, और यही कारण है कि नागपुर भारत का ऑरेंज सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। इस शहर के बीचों बीच अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एक बड़ा से पिलर है जो 0 माइल के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासकों ने नागपुर को भारत का केंद्र मानते हुए इस बिंदु को चिन्हित करके इस 0 माइलस्टोन बनवाया, और यही सब बातें नागपुर को एक खास और अलग शहर बनाती है। ये शहर बैंकिंग सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नगर देश के सबसे सुरक्षित शहर में गिना जाता है, और इसलिए नागपुर एक ऐसा शहर है जो किसी भी राज्य की राजधानी न होते हुए भी वहां भारत के अधिकांश स्वर्ण संपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नागपुर शाखा में रखी जाती है। और इसी शहर में टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा द्वारा पहली कपड़ा मिल इसी शहर में शुरू की गई थी, जिसे एम्प्रेस मिल के रूप में जाना जाता है। इस मिल का उद्घाटन 1 जनवरी 1877 को हुआ था। वर्तमान में यहाँ एम्प्रेस मॉल स्थित है, जो नागपुर वासियों के पसंदीदा मॉल में से एक है। नागपुर पूरे भारत में अपने मशहूर व्यंजन तरी पोहा के लिए भी जाना जाता है। नागपुर में कस्तूरचंद पार्क के समीप मिलने वाला तरी पोहा काफी फेमस है। इसके साथ ही यहाँ संजय समोसा, सावजी, मोमिनपुरा की बिरयानी, पातोड़ी रस्सा आदि काफी लोकप्रिय है। पर्यटन की दृष्टि से इस शहर को महाराष्ट्र के अग्रणी शहरों में शुमार किया गया है। यहाँ बने अनेक ऐतिहासिक इमारतें यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए मूल आकर्षण के केंद्र होते हैं। नागपुर के पश्चिम भाग में दीक्षा भूमि नामक स्थल है। इस स्थल पर सांची के स्तूपनुमा एक इमारत बना हुआ है, जहां 5,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु की ठहरने की व्यवस्था है। इस स्थान का संबंध भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जोड़कर देखा जाता है। यहीं पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हजारों दलितों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। सर्वधर्म संपन्न के प्रतीक संत हजरत बाबा ताजुद्दीन की सबसे प्रसिद्ध दरगाह दक्षिण नागपुर के ताजबाग में स्थित है, जिसे ताजाबाद शरीफ के नाम से जाना जाता है। यह दरगाह भारत के प्रसिद्ध दरगाह में से एक है। यहाँ रोजाना लाखों लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से दर्शन के लिए आते हैं। इसमें मुस्लिम सहित हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी आदि धर्म शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर आप केंद्रीय संग्रहालय,
अंबाजारी झील और गार्डन, पोद्दारेश्वर राम मंदिर, सीताबुल्दी फोर्ट, टेकड़ी गणेश मंदिर आदि पर्यटन स्थल मौजूद हैं जहां आप जा सकते हैं। दोस्तों, नागपुर शहर के कई पहलू हैं जो इंगित करते हैं कि यह नगर व्यवसाय, शिक्षा, उद्योग, निर्माण और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वर्षों से यह शहर सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का एक शहर रहा है। इसी कारण अगर भारत के सभी प्रमुख शहरों परिवहन के सभी माध्यमों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अच्छी तरह से सेवा प्रदान करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नागपुर में डबल डायमंड रेलवे क्रॉसिंग स्थित है, जो भारत में ही नहीं पूरे एशिया का एकमात्र रेलवे डायमंड क्रॉसिंग है। और यहाँ रोजाना करीब 400 ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। और नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत में सबसे व्यस्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में से एक है। इसके अलावा नागपुर मेट्रो ने शहर को एक अलग पहचान दी है। आज यह नगर भारत के तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है, जो नागपुर वासियों के लिए काफी गर्व की बात है। क्या आप जानते हैं कि NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, इस शहर की जड़ों में संस्कृति, इतिहास, परंपरा, अध्यात्म और प्रकृति की आमद गहराई धसी हुई है, जो कि गर्व का अनुभव करवाती है। तो दोस्तों, नागपुर शहर के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगले वीडियो में आप कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं, यह हमारे साथ शेयर करना। यदि आप ऐसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस